नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। लोहरदगा में ईद के त्योहार को लेकर शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे कृष्ण ने की। बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने को लेकर चर्चा की गई। विशेष रूप से चर्चा हुई सांप्रदायिक माहौल को बेहतर बनाए रखें। सभी समाज और धर्म संगठन के लोगों को एक साथ एक मंच पर रहना होगा। कहीं से भी अफवाह की कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन कंट्रोल रूम और अन्य माध्यमों से एक एक पल की खबर लेती रहेगी। समाज के सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में नज़र बनाकर रखेंगे। शांति व्यवस्था बनाकर रखी है, प्रेम और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाना है। बैठक में कहा गया कि सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस प्रशासन की नज़र होगी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी जिलावासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हाल ही के समय में जो जिले में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के हम लोग प्रशासन ज़्यादा चौकस है और ईद का त्यौहार आ रहा है और हम लोग सबकी कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद जिला में हर जगह मनाई जाए, इसीलिए आज ये शांति समिति। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।